Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. Navratn Company Ureda. जी हाँ, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी अब जल्द ही महारत्न कंपनी बन सकती है। ग्रीन एनर्जी का ये स्टॉक निवेशकों के बीच काफी पॉपुलर है और स्टॉक को लेकर दो बड़ी खबरें आई हैं जिससे इसका असर इस स्टॉक पर भी देखने को मिला। क्या है खबर, निवेशकों को क्या करना चाहिए, सब कुछ बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। और ये सब जानने के लिए आपको शुरू से अंत तक ये वीडियो जरूर देखना होगा। नमस्कार, मैं हूँ श्रेया ठाकुर, आप देख रहे हैं बिस्तक। ताज़ा खबर ये है कि इरेडा जल्द ही फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी FPO ला सकती है। FPO के जरिए कंपनी 4000 से 5000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना में है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर से फरवरी के बीच कंपनी FPO ला सकती है और FPO के जरिए कंपनी ने पूंजी जुटाने के लिए सरकार से मंजूरी मांगी है। इरेडा के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी CMD प्रदीप कुमार दास ने एक मीडिया चैनल को कहा कि रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स की डेट फिनेंसिंग के लिए कंपनी को 21 से 22 लाख करोड़ रुपए चाहिए होंगे। उन्होंने कहा कि FPO के लिए सरकार से मंजूरी मांगी गई है लेकिन इस प्रक्रिया में समय लगता है। उन्होंने कहा कि उन्हें फिर से इक्विटी निवेश की ज़रूरत है। जिस तरह से कंपनी आगे बढ़ रही है और सेक्टर की ज़रूरत है, उसे देखते हुए उन्हें अपनी AAA स्थिर रेटिंग को बनाए रखने की ज़रूरत है। और मार्च तिमाही तक के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर अगर आप नज़र डालें तो उसके मुताबिक सरकार के पास इरेडा में 75% हिस्सेदारी थी। दास ने यह भी बताया कि इरेडा ने हुडको के साथ साथ वित्त मंत्रालय से इनकम टैक्स की धारा 54EC के तहत शामिल किए जाने की भी मांग की है। इससे कंपनी को सस्ते दर पर पूंजी जुटाने में मदद मिल सकती है। अब दूसरी खबर क्या है? दूसरी खबर यह है कि इरेडा के लोन सैंक्शन और लोन बुक में इजाफा देखने को मिला है। कंपनी ने पिछले कारोबारी साल की समान अवधि के मुकाबले जून तिमाही में 5 गुना ज़्यादा लोन सैंक्शन किए हैं, यानी जून में 9,136 करोड़ रुपये लोन सैंक्शन किए हैं। कंपनी का लोन डिसबर्समेंट भी जून 2023 तिमाही में 3,174 करोड़ रुपये से 67.61% बढ़कर 5,320 करोड़ रुपए हो गया। इसके अलावा जून तिमाही के आखिर में इरेडा का लोन बुक 63,150 करोड़ रहा है। इसके पिछले कारोबारी साल की समान तिमाही में ये 47,207 करोड़ था। साल दर साल आधार पर इसमें 33% से ज़्यादा की ग्रोथ देखी गई है। करीब एक महीने पहले ही इरेडा ने ऐलान किया कि कंपनी कारोबारी साल 2030 तक महारत्न का दर्जा हासिल करने का लक्ष्य रखा है और कंपनी को अप्रैल में ही, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि नवरत्न का दर्जा मिला था। पिछले साल नवंबर में इरेडा ने अपने इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी IPO में 32 रुपये प्रति शेयर के भाव पर शेयर बेचे थे। और तब से अब तक देखेंगे अगर आप तो आंकड़ों पर गौर करेंगे तो उसके शेयरों का भाव करीब 7 गुना बढ़ चुका है और एक समय इसका शेयर 214 रुपये के अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था। फिलहाल ये करीब 194 रुपये के करीब कारोबार कर रहा है आज के सत्र में, और आज के सत्र में ये 6% तक चढ़ चुका था लेकिन फिर थोड़ा फिसल कर 2 बजे ये 2.5% से ज़्यादा चढ़कर कारोबार कर रहा था। और साल अब तक 87.48% की तेज़ी कंपनी के शेयर में आ चुकी है। ये खबर हमने आपकी जानकारी के लिए पेश की है। भारतीय बाजार में कोई भी निवेश से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। आपको जानकारी कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपये महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।